स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं. बिफोर आई टीच दिस आई वॉन्ट टू नरेट अ स्मॉल स्टोरी टू यू. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ फार्म. मुझे ड्रॉइंग करना बहुत पसंद है. लेट अस ड्रॉ अ फार्म. अरे क्या किया मैंने. सो आई एम ड्रॉइंग अ फार्म जहाँ पे एक फार्मर और उसकी फैमिली बहुत अच्छे से रहते थे. तो हम एक काम करते हैं, अपने फार्म को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं. ये उल्टा उल्टा जा रहा है, कोई बात नहीं, प्लीज एडजस्ट. तो वो फार्म में बहुत सारे ट्रीज थे, सन भी बना देते हैं. और क्या है मेरे पास, आई हैव लॉट ऑफ बर्ड्स इन द फार्म. एंड देन व्हाट डू आई हैव, बारिश का मौसम है तो बारिश भी कर देते हैं, क्लाउड्स भी कर देते हैं. ओरिएंटेशन जरा संभाल लेना, उल्टा सीधा हो गया है. ठीक है, और यहाँ पे बग्स भी हैं. ओके, तो एक फार्म था इस तरह का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फार्म था वो. ओके, नाउ उस फार्म के अंदर एक पॉन्ड था, जो मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ बता रही हूँ. तो देयर वाज अ पॉन्ड इन द फार्म, उसको मैं यहाँ बना लेती हूँ. सो दिस इज माई पॉन्ड. पॉन्ड में हम पानी भी भर देते हैं. लेट मी फिल सम वॉटर इन माई पॉन्ड. वेट. ओके, सो दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ वॉटर. ओके, अब वो जो फार्मर था, लेट मी ड्रॉ फार्मर ऑल्सो. तो ये हमारा फार्मर है. अब वो जो फार्मर था वो खेती बाड़ी करता था, फार्म में वेजिटेबल्स उगाता था. समझो उसने ना बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाए. मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे इस तरह से. नो, आई वॉन्ट ग्रीन कलर. तो समझो उसने ना यहाँ बहुत सारे ये वेजिटेबल्स उगाए. अब ये वेजिटेबल्स जो वो उगाता था, उसको खाने के लिए बीटल्स आ जाते थे, इंसेक्ट आते थे, पेस्ट आते थे, जो वो वेजिटेबल्स को खाते थे. पर कितना खाएंगे वो खा खा के, ज्यादा नहीं खाते थे, थोड़ा सा ही खाते थे. लेट अस से अगर उसके पास 100 केजीज ऑफ वेजिटेबल है, तो उसमें से 1 केजी ये पेस्ट खा जाते थे. ठीक है, पेस्ट बोलो, इंसेक्ट बोलो, व्हाटएवर. पर वो फार्मर सोचता था कि अरे मैंने इतनी मेहनत से उगाया है, मैं पेस्ट को क्यों खाने दूं. तो वो फार्मर ने क्या किया, उसने पेस्टिसाइड छाड़ दिया. तो बिकॉज ही है स्प्रेड पेस्टिसाइड, क्या हुआ, पेस्टिसाइड की वजह से ये जो इंसेक्ट थे ये तो मर जाएंगे, या तो मर जाएंगे या तो वो पेस्टिसाइड उनकी बॉडी में जाएगा. ओके, तो समझो एक, अब मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ. एक जो बग था, वन बग हैज टेकन वन ड्रॉप ऑफ पेस्टिसाइड. इसको हम अभी पॉइजन बोलेंगे. ठीक है, और हमारी स्टोरी को हम नाम देंगे फूड चेन स्टोरी. तो वन बग हैज ईटन वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन. अब ये बग को किसने खाया, फूड चेन तो हमने पढ़ा हुआ है. ये बग को एक बड़े से वॉर्म ने खाया. तो वॉर्म ने कितने बग्स खाए, वॉर्म ने 10 बग्स खा लिए. तो अब ये जो वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन था, वॉर्म के अंदर कितने ड्रॉप्स पहुंच गए, वॉर्म के अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन पहुंच गए. अब ये वॉर्म को फिश ने खाया, छोटी फिश ने. ये फिश ने कितने वॉर्म्स खाए, 10 वॉर्म्स खाए. तो इसके अंदर कितना पॉइजन पहुंच गया, 10 × 10 100 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन पहुंच गए. और ये फिश को खाया एक बड़ी वाली फिश ने, मोटी सादी सी अच्छी फिश थी, बड़ी वाली फिश थी. उसने ऐसी छोटी छोटी कितनी फिशेस खा ली, समझो 10 खा ली. या तो समझो ये फिश को ना बहुत भूख लगी थी तो उसने 15 खा ली. तो 100 × 10 करना पड़ेगा मुझे. आई शुड डू 100 × 10, क्योंकि एक फिश के अंदर कितना पॉइजन गया था, 100 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन गया था. तो अब 15 ये फिश ने कितनी फिशेस खाई, 15 फिश खाई ना. हर एक फिश के अंदर 100 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन. तो अब ये बड़ी फिश के अंदर कितना पॉइजन आ गया, 15 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन आ गया. अब देखो जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पॉइजन क्या हो रहा है, पॉइजन का
बढ़ रहा है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइजन इज इंक्रीजिंग. द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ पेस्टिसाइड आर इंक्रीजिंग. अब एक दिन क्या हुआ, ये जो फार्मर था इसके घर पे मेहमान आए, ठीक है. सो फार्मर के घर थोड़े से मेहमान आ गए. फार्मर ने बोला मेहमान आए हैं तो इनकी खातिरदारी करनी चाहिए. तो ये फार्मर ने क्या किया, इसने सोचा मैं फिश बनाता हूँ. और वैसे भी इतने दिन से सावन चल रहा था, नॉनवेज खाया नहीं था उसने, तो उसने सोचा मैं जाके बड़ी वाली फिश पकड़ के लाता हूँ और इसको बहुत टेस्टी टेस्टी बनाता हूँ और मेहमानों को सर्व करता हूँ. तो उसने यही बड़ी वाली फिश पकड़ ली. कौन सी वाली फिश, जिसके अंदर 1500 ड्रॉप्स ऑफ पेस्टिसाइड थे. कौन से पेस्टिसाइड, जो फार्मर ने खुद डाले थे ना. ही इंट्रोड्यूस द पेस्टिसाइड इन टू द एनवायरमेंट. अगर वो नहीं खाता तो नेचुरली तो वो होने ही नहीं वाले थे. थोड़ी सी सब्जियां बचाने के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड और ये पेस्टिसाइड देखो वापस उसके टेबल पे आ गया. तो उसने ये बड़ी वाली फिश पकड़ी, बनाई एंड नाउ अ डाइनिंग टेबल इज लेड और यहाँ पे वो फिश को हम सर्व करेंगे. तो वो फिश उसने अच्छी सी स्टफ करके बना ली. अब ये फिश फार्मर ने खुद भी खाई, मेहमानों ने भी खाई. तो कितने ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन गए, 1500 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन थे ना, समझो सबने इक्वली बांट के खाई. तो 500 ड्रॉप्स यहाँ गए, 500 यहाँ गए, 500 यहाँ गए. तो आपने समझा कि जो स्टोरी वन ड्रॉप से शुरू हुई थी वो मैग्निफाई होके कितने ड्रॉप्स बन के फार्मर तक पहुंचा, 500 ड्रॉप्स बन के फार्मर तक पहुंचा. और वो पेस्टिसाइड खाके वो फार्मर भी मर गया और मेहमान भी मर गए. ऑल द थ्री वेर डेड, ऑल थ्री ऑफ देम आर नाउ डेड. ठीक है. अब इससे हमको पता क्या चला, इससे हमको पता चला बायो मैग्निफिकेशन. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन. सो यू हैव हार्मफुल केमिकल्स. कौन से हार्मफुल केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड. हम भी यूज करते हैं ना, मैं भी यूज करती हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं जिनमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है. हिबिस्कस में व्हाइट कलर के कीड़े हो जाते हैं और अभी जो मौसम है मॉनसून, उसमें तो बहुत सारे पेस्ट आते हैं. अब इतनी मेहनत से प्लांट उगाते हैं, जी जलता है ना इफ दे आर इन्फेस्टेड बाय पेस्ट. तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं हम. क्यों यूज करते हैं, टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट. ये जो हम यूज करते हैं दे आर हाईली पॉइजनस, दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट. फिर प्लांट से हो गए एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरे ट्रॉपिक लेवल, तीसरे ट्रॉपिक लेवल, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं. प्लांट से वो कहाँ गए, हर्बीवोर्स में गए. हर्बीवोर्स से कहाँ गए, हमारे अंदर गए. तो ऐसे करते करते इवन हियर इट इज शोन कि पहले वो फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किए, फिर वो गए वो प्लैंक्टन में, फिर गए स्मॉल फिश में, फिर गए बिग फिश में. ऐसे करते करते वो प्रीडेटर फिश में गए, फिर बर्ड्स एंड मैमल्स में गए. फाइनली समझो हमने ये डक को खा लिया या तो फिश को खा लिया. तो हमारे अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन गया पेस्टिसाइड का, देखो इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. सो दैट इज वाई, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग, वी से इट इज मैग्निफाइड. चाहे आपने भले ही लो लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज किए, पर आप तक पहुंचते पहुंचते तो वो कितना मैग्निफाई हो गया. सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो यहाँ दो चीजों का एग्जाम्पल दिया है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मर्क्यूरी. कुछ आपने डाला पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड विच वे कंटेनिंग मर्क्यूरी, तो यहाँ पे वो मर्क्यूरी थोड़ा सा ही था, लेकिन आप तक पहुंचते 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 उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना बढ़ गया. सिमिलरली एक और पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड रादर, जिसको बोलते हैं डीडीटी. दिस डीडीटी इज बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में यूज हो रहा है अभी भी. तो भले ही आपने बहुत थोड़ा सा डाला, कितना डाला देखो वाटर में कितना है. और सबसे पहले ये वाटर में गया कैसे, हम जब फील्ड में पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं और फिर हम पानी डालते हैं अपने फील्ड में, तो पानी के साथ साथ वो कहाँ जाता है, ड्रेन होके नदी में जाता है, पॉन्ड में जाता है. तो इस तरह से वो पेस्टिसाइड आ गया वॉटर में. कितना आया देखो, बहुत कम आया,
0.00000, इट इज वेरी वेरी लेस, सॉरी, तो बहुत कम आया है। और ये भी कितना, ppm, ppm का मतलब क्या है, पार्ट पर मिलियन, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में आया है। तो हम सोचेंगे अरे इतने से डीडीटी से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, पर ये इतना सा डीडीटी जब बहुत सारे जू प्लैंकटॉन्स ने खाया तो देखो कितने टाइम्स वो बढ़ गया। नाउ इट हैज बिकम 0.04 ppm इन जू प्लैंकटॉन। और फिर जब बहुत सारे जू प्लैंकटॉन्स को छोटी फिशेस खाएंगी तो वो कितना हो गया, 0.5 ppm हो गया। तो ये डबल या ट्रिपल नहीं हो रहा है, ये 10 times, 100 times मैग्निफाई हो रहा है। और फिर ऐसी बहुत सारी छोटी फिशेस को बड़ी फिश ने खाया, तो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, जब छोटी फिश को बड़ी फिश ने खाया तो अब इसका अमाउंट हो गया 2 ppm। और जब ये बड़ी फिश को वल्चर ने खाया तो इसका अमाउंट हो गया 25 ppm। 2 ppm कहा और 25 ppm कहा, मतलब ये कितने टाइम्स बढ़ गया, कम से कम 12 times बढ़ गया, 2 12 24। और ऐसे पहुंचते पहुंचते जब ये हम तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा हम तक, हम जो फ्रूट खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो मीट खाते हैं, ऑल ऑफ देम आर यू नो लोडेड विथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड टॉक्सिक मटीरियल, उसको हम निकाल नहीं सकते। वी से दैट हमको फ्रूट बहुत वॉश करके खाने चाहिए अच्छे से, पर फिर भी पेस्टिसाइड तो होते ही हैं उसके अंदर। There are 10 fruits listed on Google, fruits and vegetables, जिसमें pesticide का amount बहुत ही high होता है। One of them that I remember is capsicum, क्योंकि capsicum में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, तो उसमें भर भर के pesticide डालते हैं farmer। तो वो कितने time increase हो सकता है, 10 million times तक the concentration can increase. How much can it increase? 10 million times, that's a very alarming concentration. So this particular increase in concentration of harmful chemical in the bodies of organisms at higher tropic level is known as biological magnification. So biological magnification क्यों हो रहा है आपको समझ में आया? इसलिए हो रहा है कि ये जो chemicals हैं they are non-biodegradable. अगर ये केमिकल्स बायोडिग्रेडेबल होते तो दिक्कत नहीं आती, तो वो ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक नहीं पहुंचते, वो वहां पे ही ब्रेक डाउन हो जाते। बट क्योंकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठे होते जाते हैं। एक ट्रॉपिक लेवल पे एक्स है तो दूसरे पे 10x है, तीसरे पे 100x है, चौथे पे 1000x है, ऐसे कर करके उसका मैग्निफिकेशन होता रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, अल्टीमेटली एंटर अवर बॉडी एंड दे आर फॉर्मिंग कैंसर, दे आर कॉजिंग कैंसर एंड सो मेनी अदर डिजीज। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जापान में एक डिजीज होता है जिसका नाम है मीनामाटा डिजीज। आई डोंट नो इफ योर टेक्स्ट बुक टॉक्स अबाउट इट, जापान, इन जापान देयर इज अ डिजीज नोन एज मीनामाटा डिजीज। ये क्यों होता है, वहां के जो लोग फिशेस कंज्यूम करते हैं उसमें मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से मीनामाटा डिजीज होता है। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक मेटल और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरह से जिस डिपार्टमेंट से मैं एमएससी कर रही थी वहां पे रिसर्च चल रहा था कैडमियम टॉक्सिसिटी के ऊपर। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं इंडिया में which are used in agriculture and they have cadmium. ये cadmium इकट्ठा होते 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 biologically magnify होते होते जब humans पे पहुंचता है, it is causing so many disease. It is causing infertility, couples के बच्चे नहीं पैदा हो रहे। It is forming cancer, very dreadful disease. It is forming PCOS, polycystic ovary syndrome. तो ये सारी चीजें, इवन प्लास्टिक इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है प्लास्टिक का और उसकी वजह से ये सारे डिजीज हो रहे हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या करें तो बायोमैग्निफिकेशन नहीं होगा? हमको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जगह
क्या यूज करना चाहिए? वी शुड बी यूजिंग बायो कंट्रोल मेथड. व्हाट इज बायो कंट्रोल मेथड? जैसे फॉर एग्जांपल, एक जगह बहुत सारे मॉस्किटो लार्वे इकट्ठे हो गए हैं, तो मॉस्किटो लार्वे को मारने के लिए आप केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल इंसेक्टिसाइड मत डालो. क्या डाल दो? गैंगुलेटा करके एक फिश आती है, 5 फिशेस डाल दो, वो ये सारे लार्वे को खा जाएगी. और एक ही बार डालने की जरूरत है, वो तो रिप्रोड्यूस भी करती है अपने आप, तो आपको बार बार डालने की जरूरत भी नहीं है. इसी तरह से अगर वॉर्म्स है तो आप कोई ऐसी फिश डाल दो जो वो वॉर्म्स खाती है. अगर कोई कीड़े हैं तो आप ऐसे इंसेक्ट इंट्रोड्यूस करो जो आपका क्रॉप ना बिगाड़े पर वो इंसेक्ट के लार्वे को खा जाए. तो आपको बायो कंट्रोल एजेंट यूज करने हैं, ना कि सिंथेटिक केमिकल